आज मैं बनाऊंगी जन्माष्टमी स्पेशल मिठाई, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और इस मिठाई को मैं मिट्टी वाले चूल्हे पे बनाऊंगी। तो हमने यहाँ पे 1.5 kg दूध ले लिया है और इसको हमने आधे घंटे तक गैस पे ही गर्म कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना मोटा इसमें साड़ी पड़ चुका है। तो इसको हम अच्छे से चलाते मिलाते हुए गाढ़ा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मिल्क हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और थोड़ी सी आंच तेज़ हो गई थी जिसकी वजह से नीचे पकड़ लिया था। और हमने इसमें डाल लिया है 1 कप चीनी। तो इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। और इस मिठाई को आप उपवास में सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने इसे अच्छे से मिला लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे थाली में 1 चम्मच घी डाल लिया है और अब इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं चारों तरफ। तो लीजिए, हमने इसे ग्रीस कर लिया है और इस मिठाई को हम इसी में रख लेंगे। तो जितना भी है सबको हम इसी में रख लेते हैं और स्पैचुला से इस तरीके से इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है चारों तरफ फैला के। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार है और इस जन्माष्टमी में इस मिठाई को आप बना के ज़रूर सर्व करिए। और ये है नारियल का बुरादा, तो इसको भी हम ऊपर से डेकोरेट कर देते हैं। और डेकोरेट करने के बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में 3 से 4 घंटे तक सेट होने के लिए। तो लीजिए, मिठाई बनके हमारा तैयार है और ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब इसको हम चाकू से कट कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो लीजिए, हमने एक तरफ से कट कर लिया है और इसको हम दूसरी साइड से भी कट कर लेते हैं। तो हमने दोनों तरफ से इसको कट कर लिया है और अब इसके ऊपर हम काजू लगा के डेकोरेट कर देंगे इस तरीके से। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो तो उसको आप लगा सकते हैं। और इसको हम निकालेंगे एक प्लेट में। तो मिठाई बनके हमारी तैयार है। लीजिए, हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। तो हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।